दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जो कि अपनी बियर की पहचान से ही वर्ल्ड फेमस है। जी हाँ, यहाँ पर बियर से रिलेटेड एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, जहाँ लाखों लोग पहुँचते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ यादें हैं। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बचे हुए मलबे से यहाँ पे एक पहाड़ी बनाई गई। इसी के साथ बियर से रिलेटेड गार्डन आपको यहाँ मिलेंगे और शहर सर्फिंग के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं एक बेहद ही खास शहर की सैर पर। नाम है म्यूनिक, जो कि है जर्मनी की राजधानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। तो चलिए चलते हैं ट्रेवल की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेने। दोस्तों म्यूनिक जर्मनी की क्रेफी स्टेट ऑफ बवेरिया की राजधानी है और सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी। आबादी करीब 16 लाख के आसपास है। आपको बता दें कि बर्लिन और हैम्बर्ग के बाद जर्मनी का यह तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। जर्मन ऑफिशियल भाषा है, लेकिन म्यूनिक की बोली बवेरियन व्यापक रूप से बोली जाती है। शहर की सांस्कृतिक पहचान में इजाफा करती है ये बोली। म्यूनिक एक ऐसा शहर है जिसका नाम बैगर्स के नाम पर रखा गया। शहर के नाम की उत्पत्ति मुनचेन शब्द से हुई, जिसका मतलब है भिक्षुओं के बीच। हालांकि चूंकि इटालियंस को म्यूनिक शब्द का प्रोनंसिएशन करना नहीं आता था, उनको दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपना खुद का ही नाम रख लिया और नाम रखा गया मोनाको, जिसका इतावली में मतलब होता है भिक्षु। दोस्तों म्यूनिक अपनी बियर के लिए वर्ल्ड फेमस है। बियर ही नहीं बल्कि बियर फेस्टिवल के लिए भी वर्ल्ड फेमस है। फेस्टिवल का नाम है अक्टूबर फेस्ट। जी हाँ, जो सितंबर से अक्टूबर के माह में होने वाला एक बेहतरीन फेस्टिवल है। 50 से 60 लाख लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, इस शहर को बियर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की संज्ञा भी दी गई है। आपको पता है दोस्तों, यहाँ आने वाले लोग बियर की तलाश तो करते ही करते हैं, इस शहर को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। कहा जाता है कि ओलंपिया पार्क की पहाड़ी द्वितीय विश्व युद्ध के बचे हुए मलबे से बनी है और आज ये एक बेहतरीन पर्यटक स्थल है। यहाँ आने वाले लोग 360 डिग्री का नजारा यहाँ से लेते हैं। आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर बियर गार्डन भी है। म्यूनिक अपने बियर गार्डन के लिए भी जाना जाता है और गार्डन इतना बड़ा है कि 8 लाख लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसी के साथ ये शहर सर्फिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। इंग्लिश गार्डन में आइसबाग वेब नदी में सर्फिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है, जो म्यूनिक को उन कुछ शहरों में से एक बनाता है जो कि सर्फिंग के लिए फेमस है। पार्कों का शहर भी इसे कहा जाता है। इंग्लिश गार्डन दुनिया के सबसे बड़े शहरी सार्वजनिक पार्कों में से एक है, जो न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा है। दोस्तों इसी के साथ अंडरग्राउंड बियर पूल भी है। कहा जाता है कि यहाँ तक जाने के लिए गुप्त रास्ते हैं और यहाँ पर बहुत मजा आता है। इसी के साथ आपने सुना होगा BMW। जी हाँ, अगर किन्हीं को गाड़ियाँ पसंद है तो BMW भी उनकी लिस्ट में होती ही होती है। मुझे तो ये गाड़ी बहुत पसंद है। आपको पता है BMW का बर्थ प्लेस यहीं पर है। बेयरिशे मोटर्स वर्के या बवेरियन मोटरवर्क्स के नाम से मशहूर विश्व प्रसिद्ध कार अपनी BMW कार। जी हाँ, BMW कंपनी वास्तव में म्यूनिक स्थित एक ब्रांड है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात ना पता हो कि 1972 में ये ब्रांड ओलंपिक के दौरान अस्तित्व में आया था। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ यादें भी यहाँ से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि उस समय अल्बर्ट आइंस्टाइन एक युवा लड़के थे। बात थी 1896 की। एक परिवार के लिए वो काम करते थे। अक्टूबर फेस्ट के दौरान, यानी कि फेस्टिवल के दौरान, आइंस्टीन जो केवल 17 साल के थे, उन्होंने टेंट में चमकते बल्ब लगाए थे। ये वास्तव में म्यूनिक के सबसे दिलचस्प मजेदार बातों में से एक है। और कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां बिजली ने अपना इतिहास दर्ज किया, जिसका सारा श्रेय वन एंड ओनली अल्बर्ट आइंस्टाइन को ही जाता है। इसी के साथ यहाँ पर आप सिंड्रेला का वो डिज्नी महल भी देख सकते हैं, जो हमने कल्पनाओं में देखा है और हमने पिक्चर्स मूवीज में देखा है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ आने वाले लोग बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन एक बात है जो लोगों को खटकती है, वो है यहाँ का बिहेवियर। यहाँ के लोग बहुत उदास उदास से रहते हैं, परेशान परेशान से रहते हैं, और ज्यादातर लोग तो आपकी बात का जवाब भी नहीं देंगे, हालांकि थोड़ा सा रूड होते हैं। खैर कोई नहीं, हम इस शहर को एक्सप्लोर करने आए हैं, तो यहाँ आने वाले लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं द न्यू टाउन हॉल। दिस इज वेरी 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 यूनिक प्लेस, यहाँ जरूर जाइएगा। टाउन हॉल में एक ग्लॉकेनस्पील है। 100 साल पहले बनी ये शानदार घड़ी बजने वाली घड़ी है।
लोग यहाँ लाइव बजने वाली घड़ियों को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। ग्लॉकेनस्पील बजता है और इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी खास चीजें होती हैं। यहाँ बनी आदमकद कठपुतलियाँ पुराने बवेरियन वाद संगीत पर नृत्य करती हैं। ये 32 आकृतियाँ 18वीं सदी के पुराने न्यू टाउन हॉल बुलेवार्ड के केंद्र में पिछले बवेरियन कार्यक्रम को दोहराती हैं। दोस्तों, ये है मैरियन प्लाज स्क्वायर। मैरियन स्क्वायर में कई वास्तुकला स्थल है, भीड़ भाड़ बहुत है, बाजार है, संस्कृति और चर्च देखने का मौका मिलेगा, रेस्टोरेंट्स हैं और हाँ, वर्ल्ड फेमस पब है। खरीदारी करने के लिए बहुत सारी जगह, यानी कि यहाँ आकर आपकी जेब हल्की हो जाएगी। फोटोग्राफर्स के लिए ये जगह परफेक्ट है। इसी के साथ आप यहाँ पर पैदल चलकर खूब मजे ले सकते हैं, खूब घूम सकते हैं। दिन रात कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, दिस इज ओलंपिया पार्क। ओलंपिया पार्क म्यूनिक में आयोजित 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बनाया गया था। अब उसी स्थान पर एक म्यूजिक शो होता है, साथ ही खेल आयोजन और मैदान पर त्योहार जैसा फील होता है। स्विमिंग हॉल और आइस स्केटिंग रिंग आम लोगों के लिए भी है। केवल बादल रहित दिन पर ही स्टेडियम के आसपास बवेरियन आल्पस के नज़ारों का आप आनंद ले सकते हैं। अगर आसमान में बादल है तो हो सकता है कि आपको आल्पस ना दिखे, लेकिन अगर मौसम साफ है तो यहाँ के नज़ारे भी आप देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन जगह है जहाँ लोग समय बिताते हैं। दोस्तों, दिस इज BMW वेल्ट। ओलंपिक स्टेडियम के ठीक आसपास BMW वेल्ट है। ये खास BMW के इस कांच और स्टील से बने सर्पिल आकार के शोकेस में बंद है। BMW वेल्ट एक कार शो स्पेस है और BMW ऑटो स्टाइल पसंद करने वाले लोगों को इस जगह पर जरूर आना चाहिए। अभी भी सोच रहे हैं कि जाएं या ना जाएं, लेकिन दोस्तों, अगर आपको पसंद है BMW तो यहाँ जरूर जाएं एक बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए। ऑटोटेक से भरे सैलून की इस भव्यता को भी देखिए, लाइफस्टाइल शॉप में समय बिताएं, बच्चों के साथ यहाँ पर जरूर आएं और हाँ, बच्चों को मोबिलिटी कार इंजीनियर्स के बारे में भी बताएं। दोस्तों, ये है फाउन एंड क्रिचे। ये म्यूनिक का एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ शहर का सबसे बड़ा चर्च है, जिसे कैथोलिक कैथेड्रल ऑफ आवर ब्लेस्ड लेडी कहा जाता है। इस चर्च में 20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। दोस्तों, चर्च का निर्माण पुरानी ईंटों की स्थापत्य शैली में किया गया, लेट गॉथिन जो 15वीं शताब्दी में प्रचलित थी। गुंबद शैली के चर्च की सजावट की खूबसूरती का आप यहां आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर कुछ हिस्ट्री या फिर कुछ कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो म्यूनिक रेजिडेंस जरूर जाइए। वास्तुकला की शानदार तलाश यहाँ पर खत्म होती है। बवेरियन साम्राज्यों के शाही महल में समय बिताने का ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। यूरोपियन राजघरानों की निर्बाध सुंदरता का आप मजा लीजिए। यूरोपियन राजाओं के भव्य जीवन को देखने और उनके बारे में जानने के लिए ये परफेक्ट जगह। ये खास महल है, 1935 में इसे बनाया गया। इसमें कई आंगन हैं, सुंदर उद्यान है। संग्रहालय का प्रदर्शन 130 कमरों के साथ होता है, जिसमें फर्नीचर, कला, चीनी मिट्टी की वस्तुएं, हर वो चीज़ है जो आपको इतिहास में ले जाएगी। आई होप दोस्तों, आपको ये जगह पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।